2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया, लेकिन ये वादा हवा हवाई साबित हुआ और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई, जिसे भले ही मोदी सरकार मानने से इनकार करती हो, लेकिन आए दिन सामने आ रही रिपोर्ट्स और आंकड़े सरकार के दावों की पोल खोल ही देते हैं। अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत मजदूरी करने के इन आंकड़ों को ही देख लीजिए, जो बताते हैं कि नोटबंदी और GST के बाद मजदूरी करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ी है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले युवाओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि बीते कुछ सालों में तो 18 से 30 साल के युवा कामगारों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। मनरेगा के सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 2013 से 14 में कुल मनरेगा मजदूरों में युवा कामगारों की हिस्सेदारी 13.64% थी। 2017 से 18 में यह आंकड़ा घटकर 7.73% हो गया। 2018 से 19 में ये हिस्सेदारी बढ़ 9.1% हो गई। 2019 से 20 में ये 10.06% हो गई। मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले इन युवाओं की बढ़ती तादाद की असल वजह क्या है, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मनरेगा से जुड़े एक्सपर्ट्स की माने तो अर्थव्यवस्था में आई मंदी और कामबंदी की वजह से युवा मनरेगा की तरफ मजदूरी करने को मजबूर है, क्योंकि कामबंदी की वजह से बेरोजगारी भी पैर पसार रही है। ऐसी स्थिति में युवा कामगार मनरेगा का रुख कर रहे हैं। वहीं अगर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो 2017 18 में ये सिलसिला जिस तरह बढ़ा है उसके पीछे नोटबंदी और GST को बड़ी वजह माना जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का फैसला किया था। वहीं 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था और इन दोनों ही फैसलों का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। व्यापारियों का मानना है कि GST से सभी काम धंधे चौपट हो गए, वहीं GDP पर भी इसका असर देखा गया। 2016 से 17 में जहां GDP ग्रोथ की रफ्तार 8.2% थी, तो वहीं 2018 से 19 में ये 6.8% रह गई है और अब देश की अर्थव्यवस्था भी मंदी का सामना कर रही है, जिसे देखते हुए कहा जा रहा है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही आज देश में ऐसे हालात बन गए हैं, जबकि मोदी सरकार है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। DB लाइव की रिपोर्ट।